Assalamu alaikum and welcome to Creative Bapar and welcome to day 35 of 365 days coding challenge and welcome to JavaScript course. दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाई ऑर्डर फंक्शन के जावास्क्रिप्ट के अंदर हाई ऑर्डर फंक्शंस क्या हैं. हाई ऑर्डर फंक्शंस आर फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन अदर फंक्शन आइदर बाय टेकिंग देम एन आर्गुमेंट या आर बाय रिटर्निंग देम. कि हाई ऑर्डर फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर वो वाले फंक्शंस हैं जो दूसरे फंक्शंस को अपने अंदर एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो एज अ आर्गूमेंट एक्सेप्ट करते हैं या उसको एज अ रिटर्निंग वैल्यू. नॉर्मल हम फंक्शन लगाते हैं तो फंक्शन के अंदर हम फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर फंक्शन नहीं लिख सकते. लेकिन जब हम यूज़ करते हैं हाई ऑर्डर फंक्शंस का, हाई ऑर्डर फंक्शंस के अंदर आप एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल एज अ पैरामीटर फंक्शंस को ऐड कर सकते हो, चाहे आप उसकी रिटर्निंग वैल्यू ले लो या चाहे आप उसकी एज आर्गूमेंट वैल्यू ले लो. दे फंक्शन आर पावरफुल फीचर इन जावास्क्रिप्ट एंड फंडामेंटल टू जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग. ये जावास्क्रिप्ट के एक पावरफुल फंक्शंस है. मतलब आपने कोई बड़े लेवल का डाटा प्रिंट करवाना है या आपके पास डाटाबेस से कोई डाटा आ रहा है उसको आप मैप करवाना चाहते हो. जिस तरह से अक्सर आप डाटाबेस के अंदर जितना मर्जी डाटा स्टोर करते जाओ आपके पास पेज में शो होता जाता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं हाई ऑर्डर फंक्शंस का. तो हाई ऑर्डर फंक्शंस के अंदर हमारे पास आता है मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस. इसके अलावा और भी बहुत से मेथड हैं लेकिन इसके जो मेजर चार हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे मैप को, फिर हम देखेंगे फिल्टर को और फिर लास्ट में हम देखेंगे रिड्यूस को. तो अब इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं. तो हाई ऑर्डर फंक्शन को समझने के लिए हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेंगे, कॉन्स्टेंट को हम नाम देंगे नंबर्स. इसके अंदर हम डाटा लेंगे एरे के अंदर 1, 2, 3, 4 और 5, इसके अलावा 6, 7 तक हम इसको ले लेते हैं. फिर इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट को आप कोई भी नाम दे सकते हो. मैं इसको दे देता हूँ डबल, क्या हम अपने डाटा को डबल करवाएंगे. और यहाँ पे नंबर्स डॉट मैप. अब नंबर्स डॉट मैप जो है ये एक अलग से फंक्शन है. अब इस फंक्शन के अंदर हम फंक्शन पास कर रहे हैं, इसे बोलते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन. हम यहाँ पे फंक्शन को एज अ पैरामीटर इस्तेमाल कर रहे हैं. यहाँ पे इसको हम वैल्यू देंगे नम, और यहाँ पे अब यहाँ पे इसको हम देंगे रिटर्न. रिटर्न के अंदर नम, जो भी इसके अंदर हम नंबर ऐड करवा रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करवा दो 2 के साथ. और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट या कंसोल डॉट लॉग जो भी आप प्रिंट करवाना चाहो उसको हम कर देंगे डबल. तो इसको सेम किया तो ये हमारे पास आ गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, मतलब 2 का टेबल बन गया. तो इस तरह से आप जो हाई ऑर्डर फंक्शन है उनको आराम से लगा सकते हो. ये सबसे बेसिक हाई ऑर्डर फंक्शन है जिसके अंदर ऊपर आप एरे लेते हो, इसका जो डाटा है वो आप एक फंक्शन के अंदर पास करते हो और इस पूरे फंक्शन को ही आप एक नंबर डॉट मैप फंक्शन के अंदर पास कर देते हो. नंबर डॉट मैप एक अलग से फंक्शन है. इस फंक्शन के अंदर हम अगेन ये वाला फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ पैरामीटर. तो इसे बोलते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन, हाई ऑर्डर फंक्शन. आई होप आपको समझ आ गई होगी हाई ऑर्डर फंक्शन क्या है. अब इसको हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं. अब अगर हमने हाई ऑर्डर फंक्शन लगाया है तो हम अगर फंक्शन को रिटर्न करवाना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से करेंगे, उसके ऊपर मैं कमेंट कर देता हूँ कि रिटर्निंग फंक्शन यहाँ पे. और यहाँ पे हम फंक्शन डॉट फंक्शन क्रिएट मल्टीप्लायर. अगर हम मल्टीप्लायर को बना रहे हैं चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के लिए, इसके अंदर हम पैरामीटर पास कर देंगे मल्टीप्लायर. और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर रिटर्न, रिटर्न के अंदर हम एक और फंक्शन देंगे. फंक्शन को हम देंगे यहाँ पे नंबर वैल्यू पास करेंगे, यहाँ पे नाम से भी लिख देंगे और यहाँ पे इसको हम रिटर्न करवाएंगे रिटर्न. रिटर्न के अंदर हम लिखेंगे कोई भी नंबर और साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे इसको मल्टीप्लायर के साथ, जो भी इसका मल्टीप्लायर होगा उसके साथ इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. अब हम यहाँ पे आएंगे कॉन्स्टेंट लेंगे और इसको हम नाम देंगे डबल डबल. और डबल को मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्रिएट मल्टीप्लायर, जो ऊपर हमने फंक्शन लिखा है. अब इस फंक्शन को मैं स्टोर करवा रहा हूँ एक वेरिएबल के अंदर, इसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ 2. अब इसको 2 किया और यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग या डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट करवाता हूँ. यहाँ पे प्रिंट करवाऊँगा डबल और अब डबल को जो वैल्यू दूंगा वो मैं दे दूंगा 5. सेव किया, अब इसको यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारा 5 × 2 बन जाएगा 10. यहाँ पे हम चेक करते हैं कंसोल के अंदर तो ये हमारा बन गया 5 × 10. 5 × 2 मतलब 10. 5 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ और हमारा जो आंसर है वो बन गया. अब इस तरह से आप मल्टीप्लायर जो है वो बना सकते हो. सबसे पहले क्रिएट मल्टीप्लायर ये वाला, इसके अंदर हमने वैल्यू दी 2 दी.
फिर उसके बाद हमने ये फंक्शन लिया डबल, डबल के अंदर हमने गेन पैरामीटर पास कर दिया 5, अब 5 को ये 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। अब अगेन कोई और बनाना है तो अगेन बनाएंगे, यहाँ पे पहले मेरे पास था डबल, यहाँ पे मैं ट्रिपल कर देता हूँ, और यहाँ पे पहले मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा था, अब मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा। इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे इसको भी, और जहाँ पर आपका डबल आ रहा है वहाँ पर आप ट्रिपल कर दोगे, अब आपके पास 10 भी प्रिंट होगा और 15 भी प्रिंट होगा, मतलब 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 5 को भी और 2 के साथ मल्टीप्लाई 5 को भी, मतलब 2 मल्टीप्लाई 5 10, 3 मल्टीप्लाई 5 15 15। तो ये आप इस तरह से इसको लगा सकते हो। तो ये आप रिटर्निंग फंक्शन लगाते हो हाई ऑर्डर फंक्शन के अंदर। आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई होगी किस तरह से हम हाई ऑर्डर फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। अब इससे भी हम थोड़ा सा हायर लेवल पे जाते हैं, उसके लिए मेरे पास अगेन कॉन्स्टेंट ऊपर लगी हुई है, इसी को यहाँ से मैं काट करता हूँ, नीचे लेके आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट में दे देता हूँ स्क्वायर, कि अगर हम स्क्वायर लेना चाह रहे हैं, और यहाँ पे अगेन हमारे पास एरे ऑलरेडी मौजूद है, इसके अंदर दूंगा यहाँ पे नंबर, नंबर मैं दूंगा डॉट मैप, और मैप के बाद मैं यहाँ पे एक्स पैरामीटर एरो फंक्शन इसके अंदर हम दे रहे हैं, और एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स जितनी भी मेरी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसी वैल्यू के साथ, जहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने स्क्वायर्स को प्रिंट करवा दिया। अब स्क्वायर्स को प्रिंट करवाया तो इसने उसको मल्टीप्लाई करवा दिया, जिस तरह से ये था मान को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ 1, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 4, 3 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ 9, 4 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ हमारे पास 16, और 5 को 5 से 25, 6 को 6 से 36, और 7 को 7 से 49। इस तरह से आप मल्टीप्लायर बना सकते हो ये स्क्वायर, अगर आपने किसी नंबर का लेना हो तो आप आराम से ले सकते हो। उसके बाद अगर आपने किसी नंबर को फ़िल्टर करना है तो फ़िल्टर आउट करने के लिए हम यहाँ पे अगेन एक कॉन्स्टेंट लेंगे, कॉन्स्टेंट को हम पहले हम लेते हैं इसमें से, अगर इवन नंबर लेने हैं तो यहाँ पे इवन नंबर लिखेंगे, और इसका हम इक्वल कर देंगे यहाँ पे नंबर डॉट फिल्टर, फिल्टर मान फिल्टर, ये फिल्टर यहाँ पे फिल्टर, और फिल्टर के अंदर आप दे दोगे इसको नंबर, और नंबर को आप अगेन इसको दे दोगे पैरामीटर नंबर परसेंटेज 2, और इसको आप थोड़ी स्पेस डाल के इक्वल इक्वल 0 सेव किया, और अब यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर आप सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करवा दोगे, तो जितने भी इसके अंदर इवन नंबर आ रहे हैं 2, 4, 6 वो आपके पास प्रिंट आउट हो गया। अब इसको सेव किया, इसको साथ में हम कमेंट कर देते हैं। अब आप इसके अंदर हमने फिल्टर लगाया, अब इसके अंदर हम लगा देते हैं रिड्यूस, यहाँ पर कॉन्स्टेंट और नंबर, इसको हमने इक्वल किया नंबर्स के, नंबर डॉट रिड्यूस, और रिड्यूस के अंदर हम दे देंगे इसको टोटल, यहाँ पे टोटल, और साथ में इसको हम दे देंगे नंबर, नंबर दिया। अब इसको भी हम एरो फंक्शन लगाएंगे, एरो फंक्शन लगाने के बाद मैं यहाँ पे इसको लगा दूँगा टोटल, टोटल करने के बाद मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे नंबर साथ में कॉमन लगा के 0 सेव करेंगे, और इस नंबर को हम कंसोल के अंदर प्रिंट करवा देंगे, तो जितना भी इसका सम बनेगा वो सम मेरे पास मल्टीप्लाई कर देगा। अब यहाँ पे मेरे पास आ रहा अनडिफाइन, कि आपका ये जो है वो डिफाइन नहीं है, तो उसको चेकआउट करने के लिए मैं यहाँ पे एक दफ़ा इसकी फिल्ली ब्रैकेट ख़त्म कर देता हूँ, एक लाइन के अंदर इसको करते हैं, अब सेव करते हैं। अब ये मेरे पास आ गया 28, क्योंकि हम एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं इंड्यूसर के अंदर, तो इसके अंदर हम ये इसको इस तरह से पास नहीं करेंगे, तो इस तरह से जितना भी इसका प्लस बनेगा वो सारा मेरे पास आ गया इन सब का सामने। अब उसके बाद अगर मैंने इसके अंदर इसको अगर मैं फ़िल्टर आउट करना चाहता हूँ, मतलब सॉर्ट करना चाहता हूँ, अब इसको सॉर्ट देखने के लिए मैं यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शंस है वो चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं 4 और यहाँ पे मैं 8, इस तरह से इसकी अरेंजमेंट चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्टेंट, और अब मैंने डाटा को अब सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे सॉर्टेड डाटा या सॉर्टेड नंबर जो भी आप वेरिएबल का नाम दे दो इज़ इक्वल टू ये आपके जो नंबर्स हैं इसको आप इसका इक्वल कर दो नंबर्स, और अब यहाँ पे आप जिसको सॉर्टेड नंबर्स डॉट सॉर्ट, अब यहाँ पे आप सॉर्ट करोगे ए और बी को, उसके बाद यहाँ पे सॉर्ट ए कॉमा बी, यहाँ पे ए माइनस बी करेंगे तो ए टू बी मतलब आपका यहाँ पे आ जाएगा, सेव किया, और इसको हम कंसोल के अंदर भी प्रिंट करवाएंगे कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर सॉर्टेड नंबर सेव किया, तो ये आपका आ गया 1, 4, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पे इसकी जो अरेंजमेंट है वो चेंज है, इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ यहाँ पे, और कॉमा लगा देते हैं 1, 2 आ जाएगा।
अब 1, 2, 4 अगर मैं यहाँ पे इसको उल्टा कर दूँ, वी को पहले कर दूँ और ए को मैं बाद में कर दूँ, यहाँ पे सेव करूँगा तो मेरे पास काउंटिंग उल्टी हो जाएगी 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1। इस तरह से आप डाटा को सॉर्ट कर सकते हो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। अब इसके अलावा अगर आप तमाम डाटा को प्रिंट आउट करवाना चाहते हो उसको आप किस तरह से करवाओगे, उसके लिए आप यहाँ पे फॉर ईच लूप का इस्तेमाल कर लोगे, नंबर्स डॉट फॉर ईच, फॉर ईच के बाद इसको हम पैरामीटर देंगे नम, फिर इसके अंदर हम फंक्शन पास कर देंगे, फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और कंसोल डॉट लॉग के अंदर सिर्फ नंबर को प्रिंट करवा देंगे। अब सेम किया तो जितने भी नंबर इसके आ रहे हैं उसी तरतीब के साथ मेरे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। तो इसे बोलते हैं आपका हाई ऑर्डर फंक्शन, जिसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से अपने जो अपना जो डाटा है उसको फ़िल्टर आउट करवा सकते हैं।